हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने लास्ट वीक एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे एंड मैक्सिमम वोट्स वर फॉर अल्फाबेटिकल फूड चैलेंज। सो हेयर इट इज़। एंड अभी मैं अपने टेरेस पे हूँ एंड अभी 8 AM हो रहे हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इट्स 9 AM राइट नाउ एंड विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फूड। तो ए से आई हैव ऑलमंड्स, वन बी ईटिंग ऑलमंड्स। पहले मैंने सोचा था कि मैं एप्पल खाऊंगी, बट मुझे सुबह सुबह इतना कुछ ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं थी, दैट्स व्हाई आई एम ईटिंग ऑलमंड्स। सो आर नेक्स्ट अल्फाबेट इज बी। सो बी से आई थॉट टू ईट ब्रेड एंड बटर, बट आई एम ईटिंग बनाना बिकॉज ब्रेड वॉज नॉट अवेलेबल टूडे, सो दैट्स वाई हैव टू ईट बनाना। सो आर नेक्स्ट लेटर इज सी। सो सी से मैंने सोचा था कि आई विल बी ईटिंग चिप्स, बट नो, मैं क्रीम रोल खा रही हूँ, वनीला फ्लेवर है। सो आवर नेक्स्ट अल्फाबेट इज डी। सो डी से आई विल बी ईटिंग डार्क चॉकलेट, डेयरी मिल्क एक्चुअली। नेक्स्ट लेटर इज ई। मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं ई से एंड लास्ट में आई गॉट एवरीडे मिल्क पाउडर। सो मैं एवरीडे मिल्क पाउडर खाऊंगी थोड़ा सा। मैं उसको वाटर में मिक्स करके भी पी सकती थी, बट मैं उसको खाऊंगी बिकॉज आई लव ईटिंग दैट। उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे एवरीडे। सो हियर इज माय बोल। मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये, बहुत टेस्टी होता है ये। आई लाइक ईटिंग बॉर्नविटा एंड दिस एवरीडे मिल्क पाउडर। एंड आप लोग गेस करो कि मैं एच से क्या खाऊंगी। सो इट्स 9:30 AM राइट नाउ, सो आई एम गोना गो एंड बाथ। तो गाइज, मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ एंड आवर नेक्स्ट लेटर इज एफ। एफ से आई एम गोना बी ईटिंग फ्रैम्स, मतलब फिंगर्स। हियर इट इज। Now G से I have grapes. They are quite good. So H से I have honey with me. From I have ice cream. I'm eating my ice cream. Our next alphabet is J. So J से I'm gonna be drinking juice. So this is orange juice. सो के से मुझे लिटरली कुछ नहीं मिल रहा था, लाइक हम मार्केट जाके भी कुछ नहीं ला सकते थे बिकॉज ऑफ कोरोना। सो एक ही चीज़ थी के से, दैट वॉज केचप। सो या आई हैव टू ईट केचप। नाउ कम्स आवर लेटर L. So L से lemon, तो lemonade पीऊंगी मैं, lemonade. So this is lemonade.
सो एंड नेक्स्ट अल्फाबेट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम. सो फ्रॉम एम आई हैव मैंगो. So our alphabet M is done. Now our next alphabet is N. So N से first I thought to drink coffee, but इतनी गर्मी में मुझे N से Nescafe chilled latte मिला. I'm trying this for the first time. मैंने इससे पहले कभी इसको try नहीं किया है and बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ये. There's a straw with it. Fruity jaisa hai. Let's see. So guys, it's currently 7:30 PM. तो अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है and I am at terrace right now. तो आर नेक्स्ट अल्फाबेट वॉज ओ. तो ओ से मैं ओरियो खा रही हूँ. ओरियो बिस्किट. हेयर इज आर ओरियो बिस्किट. तो या आई एम गोइंग. सो गाइज आर नेक्स्ट लेटर इज पी. तो पी से मैं पोटैटो चिप्स खाऊंगी. रेडीमेड पोटैटो चिप्स है. सो दीज आर द पोटैटो चिप्स फ्रॉम द ब्रांड बिकाची. So guys, it's already 8:45 PM right now and on terrace I was facing some light issues, so I have to come down. Light was not at all good on terrace, so I am at my room right now and I'm shooting here. So our next alphabet was Q. So I searched on net and I got Quaker Oats, but due to coronavirus I cannot go out to the market and purchase some things because the area where I live is totally sealed and so I have to skip the alphabet Q. So we'll start with R. So R se I am eating rice. Alphabet is R. So R se main rice khaungi. Boiled rice hai, ekdam plain rice. सो गाइज राइस खाने के बाद में मेरा पेट भर गया था एंड इट्स करेंटली 8:15 राइट नाउ. तो अभी आर नेक्स्ट लेटर इज एस. सो एस से आई थॉट टू ईट सोया स्टिक, बट सोया स्टिक वॉज नॉट अवेलेबल एट माई होम. सो आई एम ईटिंग सैलड. सैलड के अंदर क्यूक्यूम्बर है एंड टोमेटो है. So guys, R is done, S is done. Now comes T. So T shall be drinking tea. Do let me know in the comments if you want more challenge videos. So guys, our T is done. So yes, our next alphabet is U. So U say I have an Indian dish known as upma. So yeah. So guys, our next alphabet is V. So V say I was having a vanilla ice cream family pack. Here it is. I got 2 scoops of vanilla ice cream and yeah, I'm done with it. Now comes the letter W. बहुत सोचना पड़ा मुझे इसके लिए, but fortunately I got wafers.
गाइस, सो माय डब्ल्यू इज आल्सो डन. मैंने ढूंढना कि कोई चीज़ घर पे भी बना सकते हैं क्या हम एग से, बट आई डिड नॉट गॉट एनी थिंग. देन आई गॉट अ वर्ड विच वॉज सीगवा. आई डोंट नो इट्स प्रोनाउंसिएशन इज राइट और रॉन्ग. आई गॉट द वर्ड सीगवा एंड सीगवा पे मैंने सर्च किया नेट पे. सीगवा मीन्स लार्ज वाटरमेलन, लाइक वाटरमेलन ही होता है. सो फर्स्ट आई थॉट टू इंक्लूड वाटरमेलन विद द अल्फाबेट W, बट मुझे बाद में वेफर्स मिल गया. सो या आई कैंसल्ड. सो हेयर आई हैव माय सीगवा. बहुत मीठा ही है. So I am done with my sigua now. Now comes the letter Y. So for the letter Y, मैंने इंटरनेट नहीं खोला क्योंकि मुझे पता था कि कर्ड को योगर्ट भी बोलते हैं. I am done with yogurt. Now comes the word Z. मैंने बहुत सर्च किया था नेट पे Z के लिए. मुझे मिला दो वर्ड विच वॉज अवेलेबल एट माई होम. फर्स्ट वॉज Zucchini, yes. So second thing was Zest. So guys, for making Zest, you will be needing a grater. It is basically used to scrub a ginger, right? At my home actually. Lemon and this grater. Can you see this yellow thing? So guys, this was our A to Z alphabetical order food challenge. So unfortunately मैंने Q को skip कर दिया because I did not got any food items from Q. So yeah, I hope you guys enjoyed this video. If you want more videos like this, अगर आपको challenges वाली video चाहिए then please let me know in the comment box. I'll surely make that video and I'll be doing community post. So आप उसके अंदर vote करके मुझे बता सकते हैं कि what types of videos do you want. And if you're new on my channel, then please make sure to subscribe to my channel. So yeah, thanks for watching.